हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इसी तरह की फ्री जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने धनतेरस पर लोगों को अक्सर सोना चांदी या उनसे बने आभूषण खरीदते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी करने का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजें साल भर शुभ फल देती रहती है। इस बार धनतेरस 5 नवंबर को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन घर के लिए खरीदारी पर पूरे साल सौभाग्य बना रहेगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से घर से जुड़ा आर्थिक संकट दूर होता है। इस दिन झाड़ू खरीद कर लाने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन करके अगले दिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी मान्यता है। अगर आप इस बात को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं कि धातु के बनी कौन से बर्तन खरीदने चाहिए, तो हम आपको बता दें कि पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदें और उसे अपने घर की पूर्व दिशा की ओर स्थापित कर दें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे फ्रिज, ओवन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं। ये भी शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को आप अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में भी रखें। वहीं धनतेरस के दिन आप अपने काम से जुड़ी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कि पेन, आर्टिस्ट ब्रश, स्टूडेंट कॉपी किताब इत्यादि। धनतेरस के दिन खरीदे गए इस सामान की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। वहीं धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा में मां लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख दें। वहीं धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीद कर उसे पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में संपन्नता बनी रहने के साथ साथ आप सेहतमंद भी बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।